हेलो किड्स, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर न्यूमेरिकल पार्ट टू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम. इसी का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल ऑफ रेलवे ट्रैक. ओके, तो मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है रेलवे ट्रैक का. एंड द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इज गिवन 20 किलोमीटर. तो देखो यहाँ पे जो लेंथ है रेलवे ट्रैक की वो 20 किलोमीटर है. अब वी नो वेरी वेल गाइस कि जो SI यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है. तो सबसे पहले हमें इस किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर. दैट इज फाइन एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो ठीक है, रेलवे ट्रैक है वो 20 किलोमीटर लॉन्ग है और जो टेम्परेचर है उसका वो 20 डिग्री सेल्सियस है. तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर टोटली कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी. आगे गिवन है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेल इज. तो ठीक है, यहाँ पे एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2, बट ये सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर है. तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, 25 × 10⁻⁴ मीटर. ओके, एंड द रेल इज मेड ऑफ स्टील हैविंग रेजिस्टिविटी. अब इसकी रेजिस्टिविटी भी गिवन है, कितनी है, एट 20 डिग्री सेल्सियस एट 6 × 10⁻⁸ ओम मीटर. तो एज आई टोल्ड यू बेटा, जब भी आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दिखे, ठीक है, जहां पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है, दोनों का रिलेशन है आई मीन टू से, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. एक द सिंगल फॉर्मूला, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रिलेशन का. अब देखो इस क्वेश्चन में एरिया आपको डायरेक्टली गिवन है, बट इन केस अगर आपको एरिया गिवन नहीं है तो आप एरिया का फॉर्मूला पुट अप कर दोगे. नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी 6 × 10⁻⁸. You have the value of length 20 × 10⁻³. You have the value of area 25 × 10⁻⁴. Now you have to solve it and you will get 0.48 ओम. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. अभी आप सोच सकते हो अच्छा कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर का रोल होगा, एड करना, नहीं. You have to go with only the formula. Okay, आगे का numerical अपने आप solve हो जाएगा. And plus unit conversion का ध्यान रखना है कि unit कैसे convert करना है, SI को SI units के अंदर ही हमें use करना है dimensions को. And then इसी के बाद में जो last में unit लगाते हैं questions में उसका भी आपको ध्यान रखना है. Now come to the second question. A battery after a long use has an EMF. तो EMF का value given है 24 volt. इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 380 ओम. कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी. आपको मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करनी है, ये कंडीशन दे रखी है. कैन दिस बैटरी ड्राइव स्टार्टिंग अ मोटर ऑफ कार. तो जो ये बैटरी है इससे क्या मोटर की कार स्टार्ट हो जाएगी, तो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. अभी देखो अगर हम कोई ऐसा सर्किट बनाते हैं और I का फॉर्मूला लिखते हैं, तो ऑफकोर्स जहाँ पे EMF है तो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आता है. अब देखो दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में. एक तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं है. और अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम करंट है. तो जो मैक्सिमम करंट का केस होता है तो उसमें ऑफकोर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला बना ई अपॉन स्मॉल आर. जो कैपिटल आर है उसको ऑफकोर्स हमें जीरो पुट अप करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करनी है. ओके, तो ई का वैल्यू क्या है, ईएमएफ का वैल्यू 24 वोल्ट, एंड जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 380 ओम. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द करंट. अभी इसको डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट इट 0.068 एम्पियर. तो नाउ यू कैन सी कि ये जो करंट है ये कितनी स्मॉल है, इसका वैल्यू कितना कम है. क्या आपको लगता है कि इससे मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और ऑफ कोर्स वो भी कार की मोटर, मतलब 0.0 के अंदर करंट है, तो ऑफ कोर्स देयर करंट इज वेरी स्मॉल. तो जो ये बैटरी है वो कार को स्टार्ट नहीं कर सकती. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. ओके, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट. तो हमें EMF गिवन है 12 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम, एज वी कैन सी इन द स्लो क्वेश्चन. इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर. ओके,
तो इसको किसी रजिस्टर से कनेक्ट किया, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसा होगा कि बैटरी लगी होगी जिसका EMF क्या है, 12 वोल्ट है। इसी के साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होगा 3 ओम। अभी यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज 0.5 एम्पियर, ओके। और इसने बोला है कि जो यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सेम फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बोला था हमेशा याद रखना है, I=E/R+R, ओके। इन दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व इट। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे आपके पास आई का वैल्यू है, आपके पास ई का वैल्यू है, आपके पास स्मॉल आर का वैल्यू है, यू ओनली हैव टू सॉल्व द कैपिटल आर। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सबसे पहले सिंपलीफाई करना है। ऑफ कोर्स यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड बाय यू कैन सॉल्व इट। तो मैं डायरेक्टली बहुत इजीएस्ट वे में लेती हूँ, सबसे पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आर प्लस आर से, एंड देन यहाँ पे आया वोल्टेज, एंड देन अगेन आई आर प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई को सॉल्व किया। मुझे कैपिटल आर चाहिए तो यहाँ पे ई माइनस आई आर हुआ, इधर प्लस है इधर माइनस में गया। अब ये आगे का पार्ट इधर सॉल्व करो, आर इक्वल टू ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाय आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, वैल्यू ऑफ ई इज 12 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ आई इज 0.5 एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज 3 ओम। अगेन द वैल्यू ऑफ आई इज 0.5। तो जो भी वैल्यूज दी थी एज इट इज मैंने यहाँ पे पुट कर दी, एंड यहाँ पे आ गया 1.5 0.5। अगर मैं आगे इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 10.5 डिवाइडेड बाई 0.5। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा, ओके। तो मुझे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना मिला, 21। 5 2 10 5 1 5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आ गया, तो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिला, 21। अब मुझे सिंपल सा टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है। जब सर्किट क्लोज है तो ऑफकोर्स सर्किट क्लोज है तो वोल्टेज जीरो तो होगा नहीं, तो वी का फॉर्मूला क्या होगा, आई आर। ओवरऑल करंट कितनी है, 0.5, एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 21। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर, दैट विल बी 10.5। इन दिस वे वी कैन डू द न्यूमेरिकल। हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आई, 21 ओम, वोल्टेज है वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई, 10.5 ओम। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन द कॉपर वायर। तो यहाँ पे हमें किसका वैल्यू दे रखा है, करंट डेंसिटी का, दैट इज 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर है उसको 10^-2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन पावर ऑफ 2। तो मेरे पास जो करंट डेंसिटी है उसका वैल्यू क्या आ गया, 500 × 10^-4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो द डायमेंशन कन्वर्जन, जो यूनिट कन्वर्जन है वो बहुत जरूरी होता है, ओके। इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर वायर, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 8.47 × 10^22। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू द कॉपर वायर। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो वी नो वेरी वेल द VD=J/NE, ओके। VD=J/NE, द वैल्यू ऑफ J इज 500 × 10^-4, the number of electron is 8.47 × 10^22 and the charge on the electron is 1.6 × 10^-19. तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे we will get our answer, okay, the value will be 3.69 × 10^-4 meter per second, okay. The next question is 3 resistor, 5th question is this, 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are connected in series combination. So according to this question, we are going to design it. Ye hume 10 ohm given hai, ye hume 20 ohm given hai and that is the 30 ohm. Okay, so according to this, we will design the question. And iske saath aapko bola hai ki aapko equivalent resistance calculate karna hai. So it's so very easy. 3 resistance hai, usko kis mein connect kiya hai?
सीरीज में कनेक्ट किया, ओके इसको किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज के अंदर। तो जैसे ही हम सीरीज कनेक्शन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ओके, तो दैट मीन्स 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम, तो टोटल कितना हो गया 60 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिल गया यहाँ पे 60 ओम। When the series combination is connected to 12 volt supply, तो that means यहाँ पे कहीं 12 volt supply आ रही है, okay, तो मेरे पास equivalent resistance आ गया, मेरे को जो voltage है ये भी given है 12 volt, by neglecting the value of internal resistance को of course इसने neglect किया है, तो obtain potential difference across each resistance। तो बेटा देखो, अगर मैं ये line नहीं भी read करती तो भी मुझे समझ में आ जाता कि अच्छा इसमें V given है, R given है, तो ये कौन सा connection है, series connection। सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है, वेरिएबल होता है, और करंट क्या रहती है, सेम रहती है। तो वोल्टेज चेंज होगा, करंट सेम रहेगी। तो सबसे पहले मैं करंट कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगी, सेम रहेगी। तो आई का फॉर्मूला क्या हुआ, वी अपॉन आर, तो 12/60, इसको कैंसिल आउट क्यों हुआ, 12/5 50, एंड अगर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास करंट आ गई 0.2 एम्पीयर। तो ये तो मैंने करंट कैलकुलेट कर ली, बट वोल्टेज तो ऑफकोर्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि सीरीज है ना, सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा, पैरेलल में सेम रहता है, ओके। तो वी इक्वल टू आई आर, ओके। तो सबसे पहले हम ये जो 10 ओम है इसके अक्रॉस कैलकुलेट करते हैं, द करंट का वैल्यू सब में सेम रहेगा, आर का वैल्यू 10 ओम के अक्रॉस कर रहे हैं तो कितना आया 2 वोल्ट। इन द सेम वे 20 वोल्ट के अक्रॉस सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना होगा, तो जब करंट वैल्यू इज तो फिक्स, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मल्टीप्लाई बाय 20, तो 2 2 4। एंड इन द सेम वे 30 ओम के अक्रॉस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो करंट का वैल्यू इज सेम एंड द रेजिस्टेंस का वैल्यू इज 30, तो 3 2 6 वोल्ट। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अभी यहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो क्या होता, हम वोल्टेज की जगह करंट कैलकुलेट कर रहे होते, क्योंकि करंट क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है, पैरेलल के अंदर, बट यहाँ पे क्या है, करंट सेम है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला आ गया, दिस इज द 6th नंबर क्वेश्चन, ओके। अब देखो इस 6th नंबर क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंस गिवन है, 1 किलो ओम एंड 2 किलो ओम। तो दो रेजिस्टेंस R1 इज 1 किलो ओम एंड द R2 इज 2 किलो ओम, ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, पहले पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से सर्किट होगा, द 1 इज 1 किलो ओम, द 2nd इज 2 किलो ओम, ओके। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला विल बी 1 upon R equivalent = 1 upon R1 plus 1 upon R2, बट मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली सॉल्व करूंगी, किस फॉर्मूले से, मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन किया 2 into 1 और एडिशन किया दोनों रेजिस्टेंस का, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला, 2/3 ओम, ओके। तो ये तो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2/3 ओम। अब देखो इस पूरे सर्किट में क्या होगा, करंट तो सेम रहेगा, और इसको मैंने क्या सप्लाई दे दी, 9 वोल्ट की सप्लाई दे दी। तो देखो सर्किट शायद समझ आ रहा होगा आपको, है ना, 9 वोल्ट की सप्लाई दे दी इस सर्किट को, तो जो वोल्टेज है वो क्या मिला, 9 वोल्ट टोटल। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें डिफरेंट होगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में क्या होती है, करंट डिफरेंट होती है, जबकि वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, तो वोल्टेज सेम रहेगा। When the this parallel combination is connected to 9 volt supply by neglecting internal resistance, calculate current through each resistor. अब across each resistor मुझे क्या करना है, current calculate करनी है। तो मैं formula क्या होता है, I equal to V upon R। अगर मैं 1 किलो ओम रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करती हूँ तो what is the value of V is 9 volt and the value of resistance is 1 किलो। नाउ यू कैन सी कि जो मेरे पास करंट है वो क्या आ गई, 9 मिली एम्पीयर, क्योंकि किलो है ना, किलो को सबसे पहले ओम में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं करंट को सॉल्व करूंगी तो ये क्या है, यहाँ पे 1 किलो ओम है, ओके, नाउ
नाउ यू कैन सी कि अगर मुझे करंट का वैल्यू सॉल्व करना है अक्रॉस 1 किलो ओम रेजिस्टर, तो ये क्या है 9 डिवाइडेड 1 किलो ओम. तो ये जो किलो ओम है इसको हम किस में चेंज करेंगे, किलो ओम को इसको हम चेंज करेंगे ओम में. दैट इज वेरी कंपल्सरी. ऑफ कोर्स नहीं तो जो यूनिट कन्वर्जन है वो नहीं हो पाएगा. तो 1 × 10⁻⁻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 
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 किलो ओम में है ना, इसको ओम में चेंज करेंगे. किलो को ओम में कन्वर्ट करने के लिए 10^3 का मल्टीप्लाई किया. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 9 × 10^-3 एम्पियर. 10^3 नीचे प्लस में है, ऊपर गया माइनस में आ गया. तो नाउ वी कैन सी 9 × 10^3 एम्पियर, और नाउ यू कैन सी 9 mA. बुक में आंसर गलत ही रखा है, तो इस चीज का ध्यान रखना. ओके, अब हम सॉल्व करते हैं 2 kΩ के अक्रॉस, क्योंकि वहां पे बुक में क्या है, इसको किलो ओम को ओम में चेंज ही नहीं किया. ओके, तो वो थोड़ा सा आंसर उसके अंदर गलत हो गया. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं किस ओम के अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस, 2 kΩ के. तो ये 9 हुआ 2 kΩ. अब ऑफकोर्स ये जो किलो ओम है इसको ओम में चेंज करते हैं, तो 10^3 9 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 4.5. एंड 10^3 नीचे प्लस में है, ऊपर गया माइनस में, तो 4.5 × 10^3 एम्पियर, और यू कैन से 4.5 mA. ठीक है, मिली में क्या होता है, 10^-3. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 4.2 ओम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस 5.4 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है. सबसे पहले तो जहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशियंट सॉल्व करना होता है या टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन आता है इन दो पार्ट्स में एक को दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए, तो फॉर्मूला ये कॉमन है, R = R0. और वैसे भी क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूला आ जाना चाहिए. अब बट द कंफ्यूजन विच इज R, विच इज R0, विच इज α, विच इज T, विच इज T0. तो ये क्या करना है, हमें सॉल्व करना है. तो लेट्स सी, तो एज आई टोल्ड यू कि जो छोटा टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट. तो देखो यहाँ पे एक टी नॉट है, एक टी है, एक आर नॉट है और एक आर है. तो जो छोटा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू कम है, तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कम है या 100 डिग्री सेल्सियस की, 27 डिग्री सेल्सियस की. तो जो टी नॉट है वो क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड जो 100 डिग्री सेल्सियस है ऑफकोर्स उसकी वैल्यू लार्ज है, तो दैट इज. इन द सेम वे अगर हम आर नॉट देखेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस के साथ जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4.2 ओ, एंड जो 100 डिग्री सेल्सियस के साथ रेजिस्टेंस है दैट इज 5.4 ओ. तो बस इतना सा ट्रिक है. तो छोटी वैल्यू है दैट इज नॉट, और जो बड़ी वैल्यू है दैट इज आर एंड टी. ओके, अब यहाँ पे चारों वैल्यूज है, हमें क्या करना है, अल्फा को कैलकुलेट करना है. तो एक तरीका तो ये है कि आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करें, या फिर एक फॉर्मूला है जो टेम्परेचर कॉफिशियंट का आप याद रखिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो एग्जाम में काफी टाइम जाएगा. ओके, आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट. तो यूज करेंगे इस फॉर्मूले को और उससे क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखो अल्फा आर माइनस आर नॉट, तो दैट मीन्स 5.4 − 4.2, एंड देन आर नॉट, आर नॉट इज 4.2, एंड टी माइनस टी नॉट, तो 100 − 27 डिग्री. ओके, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर, दैट विल बी 3.91 × 10^-3. ओके, पर डिग्री सेल्सियस. अल्फा की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर कॉफिशियंट की, पर डिग्री सेल्सियस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 6 मीटर लॉन्ग वायर. तो वायर की लेंथ गिवन है 6 मीटर, हैज अ डायमीटर इज 0.5 mm. तो सबसे पहले डायमीटर को किस में चेंज करेंगे, रेडियस में चेंज करेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे रेडियस ही काम आती है. तो इसको जैसे ही 0.5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 mm. एंड इस मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, मीटर में. तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 10^-3 का. ओके, इट्स रेजिस्टेंस इज 50 ओम. ये तो हमने रेडियस निकाली है, अब हम इसका रेजिस्टेंस गिवन है कितना है, 50 ओम. देन वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी. तो देखो जहां पे भी आप लोगों को रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी को सॉल्व करना है. अब देखो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है तो वेरी सिंपल, R = ρL/D. ओके, और हमें यहाँ पे डायरेक्टली एरिया नहीं गिवन है, तो हमें एरिया की वैल्यू पुटअप करनी है, क्योंकि वायर है सर्कल में होता है, तो एरिया कितना हो जाएगा, πr². Now we can put the value of it. Okay,
तो r इक्वल टू रो एल अपॉन ए डिवाइडेड और यू कैन से पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रो की वैल्यू मिल जाएगी. तो क्या हुई क्रॉस मल्टीप्लाई में r पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल. ओके तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 50 ओम, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, द वैल्यू ऑफ r इज 0.25. ठीक है पाई आर स्क्वायर तो दैट्स व्हाई. एंड द वैल्यू ऑफ लेंथ इज 6 मीटर. तो इन दिस वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. एंड देन व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी, दैट विल बी 1/3. कंडक्टिविटी को किससे शो करेंगे, इस तरीके से. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी है उसको डिनोट करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. ओके तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग कलर कोड. ओके ब्लू ग्रीन रेड कोड. तो यहाँ पे अगर जब हमने रेजिस्टेंस कलर कोडिंग वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज फॉर्मूले से, ये कलर कोडिंग का चार्ट आपको याद रखना है. बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बाय गोल्ड सिल्वर नो कलर. इसके बाद ये है फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस. इन दिस वे वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अब देखो क्या है ब्लू ग्रीन रेड कोड. तो देखो ब्लू के लिए फर्स्ट कलर कौन सा आएगा, 6. ग्रीन के लिए सेकंड कलर क्या आएगा, 5. द रेड इज मल्टीप्लायर. ओके तो मल्टीप्लायर के लिए क्या आया, 10^2. तो 20 लगे. एंड द गोल्ड, गोल्ड इज टॉलरेंस. गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है, ±5%. तो ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ. अब आपको कई बार ऐसा होता है ऑप्शंस में किलो ओम भी लिखा होता है, तो किलो ओम में करने के लिए आपको क्या डिवाइड करना है, 1000 का. तो 1000 का डिवाइड करते ये क्या हुआ, 6.5 किलो ओम ±5%. अब इन द सेम वे वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर. ओके क्या है ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर. तो ब्राउन के लिए फर्स्ट डिजिट इज 1, ब्लैक के लिए 0, रेड के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10^2. तो ये क्या हो गया, 1000. ओके प्लस माइनस सिल्वर है टॉलरेंस, तो कितना हो गया, ±10%. ओके तो 1000 ±10%. और अगर हम इसी को किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगा, 1000 का डिवाइड करेंगे तो वी हैव ओनली 1 किलो ओम ±10%. नाउ टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रेड ऑरेंज गोल्ड. ओके तो देखो रेड रेड, यहाँ पे रेड फर्स्ट डिजिट के लिए भी 2, सेकंड के लिए भी 2, एंड इसके बाद है ऑरेंज. तो ऑरेंज के लिए हम मल्टीप्लायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10^3 का. ओके तो 2 × 10^3 तो क्या हो गया, 22,000. एंड गोल्ड है तो उसकी टॉलरेंस कितनी है, ±5%. ओके देन 1000 का हमने डिवाइड किया किलो ओम में कन्वर्ट करने के लिए, देन वी हैव 22 किलो ओम ±5%. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑरेंज व्हाइट रेड गोल्ड. तो ऑरेंज के लिए 3, व्हाइट के लिए 9, रेड के लिए किसका मल्टीप्लाई करना है, 10^2 का. ओके एंड द गोल्ड का टॉलरेंस ±5%. ठीक है किलो ओम में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 1000, तो ये क्या हो गया, 3.9 पॉइंट का ध्यान रखना है, किलो ओम ±5%. तो ये इस क्वेश्चन का है. अब यहाँ पे है नेक्स्ट येलो वॉलेट ब्राउन सिल्वर. ओके तो येलो के लिए 4, वॉलेट के लिए 7, ब्राउन के लिए 10^1, तो हमें केवल 0 का करना है. एंड देन प्लस माइनस सिल्वर के लिए ±10%. ओके अभी इसको किलो ओम में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1000 का. ओके 1000 का करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 4.470 ±10%. आई एम सो सॉरी यहाँ पे किलो नहीं देखा. ओके तो 0.470 किलो, दैट विल बी अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फाइंड द कलर कोड फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रजिस्टर हैविंग टॉलरेंस 10%. तो देखो टॉलरेंस सबके 10% है, तो जो लास्ट में तो क्या आएगा, सबके सिल्वर आएगा ही आएगा. आप कोई भी कोडिंग करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, सिल्वर. ए बी सी डी, तो लास्ट में सबके डायरेक्टली वी कैन राइट सिल्वर 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 सिल्वर
एंड देन सिल्वर. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बाकी तीन डिजिट्स के लिए लिखना है. तो द फर्स्ट इज क्या है, थ्री है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑरेंज. ऑरेंज एंड जीरो, टेन टू पावर ओनली, देखो एक ही जीरो है, तो दैट मीन्स टेन टू पावर वन, तो दैट मीन्स ब्राउन. तो द कलर कोडिंग ऑफ फर्स्ट इज ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन, सिल्वर. द सेकंड वन इज 100 ओम. ओके, तो द सिल्वर इज देयर, हमें 100 के लिए कोडिंग करनी है. तो द फर्स्ट डिजिट इज वन, दैट मीन्स द फर्स्ट इज ब्राउन कलर एंड द सेकंड इज ब्लैक कलर, जीरो है. एंड अगेन ओनली द सिंगल जीरो, दैट मीन्स अगेन क्या आया, ब्राउन एंड देन सिल्वर. तो बस डायरेक्टली आपको ये टेबल बनानी है और ये कोडिंग करनी है. 47 ओम. ओके, बहुत सिंपल है. 47 है, 4 इज येलो, द 7 इज वॉलेट, एंड ऑफकोर्स आगे कोई भी नहीं है. 10 टू पावर 0 इज 1, देन मीन्स ब्लैक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 160 ओ. 1 के लिए वी विल यूज ब्राउन, 6 के लिए वी विल यूज ब्लू. ओके, ओनली 10 के लिए वी विल अगेन यूज ब्राउन एंड देन. That is the coding of 160 O. The last one is 1 KO. Okay, so that means it is 1000 O. Okay, so 1 ke liye we will use brown, 0 ke liye we will use black, aur ek single 0 hai, so that means we will use brown. Okay, so in this way we can do all the coding of, aap vice versa bhi kar sakte ho. Okay, जो यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे ओम से कलर्स बता सकते हो और कलर्स से नंबर बता सकते हो. फर्स्ट डिजिट कैसे लिखनी है, यू नो दैट 0 to 9. सेकंड डिजिट कैसे लिखनी है, 0 to 9, एंड देन मल्टीप्लायर 10 to power 0 to 10 to power -2, एंड द टॉलरेंस इज देयर. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो यहाँ पे करंट का वैल्यू है, इट्स 4 एम्पियर. अ करंट 4 एम्पियर्स फ्लो थ्रू अ ऑटोमोबाइल हेडलाइट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे आपको एन कैलकुलेट करना है. ये हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन में कन्फ्यूज नहीं होना. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन मीन्स एन. ओके, थ्रो द हेडलाइट इन द टाइम 2 आवर्स. क्लियर है? तो हम आवर्स को सबसे पहले मिनट्स में, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई किया, एंड हम सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 का मल्टीप्लाई किया. ओके, तो अब देखो सॉल्व क्या करना है यहाँ पे हमें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन. तो देखो आई का करंट का सिंपल सा फॉर्मूला पता है, Q/D, बट यहाँ पे चार्जेस तो गिवन नहीं है, तो हमें Q का वैल्यू पुटअप करना है. Q क्या होता है, N into E. तो Q का वैल्यू पुटअप किया, NE divided by T. Now we can solve it. ओके, कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ITYE. यहाँ से N को सॉल्व किया, करंट इज 4 एम्पियर, द टाइम इज 2 × 60 × 60, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹. ओके, तो यहाँ से आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज द हीटिंग एलिमेंट इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट. ओके, वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट, करंट गिवन है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड. तो हमको हीट डिसिपेशन कैलकुलेट करना है, कितने आवर में, 1 आवर में. तो देखो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम. ओके, और पावर कितना होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × π. हमारे पास वोल्टेज भी है, करंट पे भी है, रेजिस्टेंस का कुछ रोल नहीं है. तो वोल्टेज एंड करंट से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ना, आई को चेंज करना है V/R, ना वी को चेंज करना है IR. ओके, और मल्टीप्लाई बाय टी. तो देखो वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट, करंट गिवन है 5 एम्पियर, अब टाइम 1 आवर है. ओके, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 60. ओके, तो जो भी आपको वैल्यू आएगी, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो वी विल गेट इट 4.14 × 10⁻¹. ये आंसर हमें मिलेगा. ठीक है, आप जो भी है वैल्यूज को, वन डिजिट के बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे, तो उसमें देखा था कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक वैल्यू के बाद ही यहाँ पे डॉट लगाते हैं. तो ये हमारे पास हीट डिसिपेशन आ गया. ओके, बट देखो एक चीज बहुत जरूरी है, जो ये यूनिट है आपकी, ये किस में आई है, जूल में आई है. और अगर आपको इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमें अगर जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, तो हमें किसका डिवाइड करना होता है, 4.2 का. एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं,
4.2. तो हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें किसमें डिवाइड करना होगा, 4.2 का डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा कैलोरी में हो जाएगा. ओके, तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. अभी हम लोगों ने अपनी बुक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट ट्राई. बट बिफोर डूइंग द क्वेश्चन आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि ऐसा नहीं होता कि आप लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर सकते हो. ऑफ कोर्स फर्स्ट यू हैव टू गो विद द थ्योरी सेक्शन. ओके, तो ऑफ कोर्स इन द प्रीवियस क्लासेस आप लोग देखोगे, प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो फर्स्ट आई विल सजेस्ट गो विद द थ्योरी पार्ट. अब आपका थ्योरी पार्ट हो जाए एंड देन फिर अगेन कम टू द न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल सॉल्व होना इजी हो जाएगा. तो नाउ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर चैप्टर हैज टोटली फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड. ओके, अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. वो चैप्टर आप लोग सजेस्ट करेंगे वो स्टार्ट कर सकते हैं. बाय ऑल, प्लीज मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, न्यूमेरिकल सेक्शन कैसा लगेगा. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. ओके, बाय ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. तो फाइनली दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड अकॉर्डिंग टू माई साइड. ठीक है, ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है. प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है सब्सक्राइब भी कीजिएगा.